गुड मॉर्निंग बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने ग्रामर में लेसन 7 आर्टिकल्स शुरू किया था, है ना। और हम लोगों ने आर्टिकल्स के बारे में लिखा भी था और ये वाला काम भी किया था एक्सरसाइज का। आज हम लोग ये करेंगे, लुक एट द पिक्चर, राइट द वर्ड विद टिक ए बिफोर देम इन कॉलम ए। अगर कॉलम उसके पहले ए लगेगा तो उसको कॉलम ए में लिखेंगे, एंड द वर्ड दैट टिक एन इन कॉलम बी। देखो यहाँ, देखो ये देखो, ये पिक्चर्स बनी हुई हैं, कुछ यहाँ बनी हैं, कुछ यहाँ बनी हैं, और ये कॉलम ए और कॉलम बी है। और आपको पेज नंबर 3939 ओपन करना है, ठीक है। पहला ये क्या है, आयरन, इससे हम लोग कपड़े प्रेस करते हैं। आयरन के स्पेलिंग होते हैं IRON, आयरन। तो आई से शुरू हो रहा है, वॉवल से, तो इसके पहले क्या लगेगा, एन, तो इसको कॉलम बी में लिखेंगे, है ना। तो यहाँ हम लिखते हैं एन आयरन, ठीक। फिर दूसरा क्या है, ये देखो, ये तो दीवार है, वॉल है, तो वॉल, ए वॉल, कॉन्सोनेंट से शुरू है इसलिए ये लिखे हैं। और ये क्या है, ये छोटा सा बेबी है, ये बेबी है ना, तो बेबी, बेबी। अब देखो ऊपर, ये एप्पल है, तो एन एप्पल। ये कौन है, ये ईगल है, एन ईगल हो गया। फिर देखो ये क्या है, ये बर्ड है, बर्ड है, स्पैरो, स्पैरो है ना, तो यहाँ लिख देंगे अ स्पैरो, हो गया। फिर देखो ये अम्ब्रेला है ना, तो एन अम्ब्रेला। यू से शुरू हो रहा है तो ये क्या हो गया, वॉवल साउंड हो गया, तो इसमें एन लगेगा। ये क्या है, ये छोटा सा चूहा है, माउस है, तो ए माउस। ये क्या है, ये देखो, ये देखो, ये चूहा था, ये क्या है, चर्च है ना, तो हम लोग लिखेंगे ए चर्च, सी एच यू आर सी एच। और ये क्या है, ये देखो, ये ऑरेंज है, तो एन ऑरेंज, ओ आर ए एन जी। लिखा हमने, देखो हो गया। अब देखो, मैच द पिक्चर टू ए एन और द, ए के साथ, एन के साथ, और के साथ, और द के साथ, इसको मैच करनी है हमें पिक्चर्स को। तो ये ताजमहल है, तो इसको द के साथ मैच कर लेंगे। ये एरोप्लेन है, तो ये एन के साथ हो जाएगा। ये एलिफेंट है, ये भी एन के साथ हो जाएगा। ये मून है, तो ये द के साथ होगा, होगा। ये देखो, ये तो फैन है, ये फैन के साथ होगा, और ये फैदर है, फैदर है ना, पंख, तो ये भी मैच कर दिया, कर दिया। ये तो आप भी कर सकते हो, बहुत इजी है। फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए एन और द, वन हैज बी डन फॉर यू। तो देखो, पहला देखो, यहाँ पर देखो, ए मैन एंड अ वुमेन। फिर उसके बाद ए काउ एंड एन ऑक्स, एन एप्पल एंड अ मैंगो, अ हैन एंड एन एग, अ बनाना एंड एन ऑरेंज, द सन एंड द मून, ठीक है, अ पेंसिल एंड एन इरेजर। क्योंकि एन तो उसके पहले लगता है जहाँ पर वॉवल साउंड होता है, और ये देखो सन तो अपने आप में एक होता है, इसलिए द लगाया। मून भी अपने आप में एक है ना, इसलिए इसके पहले हम लोगों ने क्या लगाया, द लगाया। फिर यहाँ पर भी है, इस साइड में है ना, एच, द हवा महल एंड द रेड फोर्ट,
द बाइबल एंड द महाभारत, द गंगा एंड द हुगली, इसमें सब में द लगेगा, ठीक। इसको नोट कर लीजिए, आज हम लोग यहीं तक करेंगे, फिर आगे की एक्सरसाइज हम लोग बाद में करेंगे बेटा, नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, और ठीक है, ये वाला जो है ये फोर्थ वाला, इसको कॉपी पे करना है, ये आपको कॉपी पे करना है, इस पे तो करेंगे ही करेंगे, साथ में कॉपी पे भी करेंगे, ठीक। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे बेटा, तब तक के लिए बाय।